बहादुरगढ़ में एक महिला का पर्स छीनकर भागना एक युवक को उस वक्त महंगा पड़ गया जब महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को भागकर पकड़ लिया, जिसके बाद भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई की और मामले की सूचना पुलिस को दे दी। पूरा मामला दिल्ली रोहतक रोड के पास का है, जहां पुराने कोर्ट के पास पीड़ित महिला कुसुम बस स्टैंड से एक शॉपिंग मॉल की तरफ जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आए युवक ने महिला के हाथ से पर्स छीन लिया और भागने लगा। इससे पहले कि आरोपी भाग पाता, भीड़ ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुसुम जी, क्या हुआ आपके साथ आज? मेरे साथ, मैं बहादुरगढ़ बस स्टैंड से गुलर मॉल की तरफ जा रही थी मैं। अच्छा जी। और यहाँ पे इसके पास में आके और मेरा पर्स छुड़ा ले गया एक लड़का। कहाँ से की घटना हुई है ये? पुराने कोर्ट के पास में। कितने जने थे जो पर्स छीन गए? ज्यादा आ गए थे। मैंने शोर मचाते समय और वो आ गए, फिर उन्होंने पकड़ लिया। पर्स छीनने वाला एक लड़का था या दो थे? एक था मेरे। अच्छा। हाँ, दूसरा था, वो बाइक पे था, वो भाग गया था पहले। अच्छा। हाँ। एक और था उसके साथ। हाँ। अच्छा, पर्स में कितने पैसे थे आपके? मेरे पर्स में 500 रुपए थे। कौन था? अच्छा जी। उधर मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर अपने साथ ले गई। अगर इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो जिस महिला का आरोपी ने पर्स छीना था, उसने भी आरोपी की पिटाई कर अपनी भड़ास निकाली थी। पीड़ित महिला ने युवक के खिलाफ लिखित में पुलिस को शिकायत दी है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। बताया जा रहा है कि चलने वाले युवक के साथ मोटरसाइकिल पर सवार एक दूसरा युवक भी था, जो मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनकर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।